असम के स्टूडेंट एम टी एच 603 की फर्स्ट असाइनमेंट है, फॉल 2023 की 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और ये सेक्शन इन चार हुसना मुजफ्फर वाली असाइनमेंट है। तो पहले 15 लेक्चर में से ये असाइनमेंट है, आपको आई भी है तो अपने एमएस वर्ड में आपने ये बना के असाइनमेंट इंटरफेस में अपलोड करनी है। मैथ टाइप का इस्तेमाल कर लें या एमएस वर्ड में भी आप मैथ की लिख सकते हैं। मैंने मैट टाइप तो यूज़ नहीं किया लेकिन मैं मैट टाइप में भी कर लेता हूँ, लेकिन वो उसके बजाय मैंने इसी वर्ड की फाइल में ही वर्ड में ही आप इक्वेशन क्या कहते हैं मैथ को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आल्ट और इज इक्वल टू को जब आप प्रेस करेंगे ना, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये सारे मैथ का आ गया। आल्ट और इज इक्वल टू को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप मैथ की कोई भी चीज़ लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, मुख्तलिफ इसमें ब्रैकेट्स किस तरह की करनी है ये जो भी है। ठीक है, तो ये दूसरा सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड। ये 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, तीन इक्वेशंस हैं। अच्छा, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको ये हैंडआउट से दिखा देता हूँ कि ये हैंडआउट के पेज नंबर 64 पे ये एग्जांपल है। पेज हैंडआउट का पेज नंबर 64 है, एग्जांपल है क्राउट वाली। ये उसी तरह तीन इक्वेशंस हैं, उसका वो सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे पूरा। ये आप देख लें, इसी तरह इसको देख के बना लें बिल्कुल सेम। एंड में ये तीन वैल्यूज़ उसकी यहाँ आएंगी, यही उसका आंसर होगा। ये आप खुद देख के बना लें या मेरा सॉल्यूशन है ये इसको देख के कर लें। मेरा सॉल्यूशन मैं आपको ना दिखा देता हूँ, आपको मेरा ये सॉल्यूशन है। अच्छा, मैं सोल्यूशन दिखाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यूट्यूब पे मैंने देखे हैं दो एक सोल्यूशन हुसना मुजफ्फर वाले अपलोड आए, तो उनमें एंड का आंसर तो ठीक लिखा है लेकिन बीच की जो वो कुछ वो स्टेप्स हैं उनमें कुछ गलतियां हैं। सेकंड क्वेश्चन तो ईजी है, वो तो सही कर लिया, लेकिन फर्स्ट वाले में जो है दोनों के में वो फ़र्क है। तो पहले वाले ने तो एक ने आंसर ही नहीं दिए, वे दूसरे के आंसर हैं लेकिन स्टेप्स बीच में कुछ गलतियाँ हैं, तो मैंने ये परफेक्ट बिल्कुल बनाया है। अब मेरा देख के बना लें या जो खुद नहीं बना सकते तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इस ईमेल एड्रेस पे उस चैनल के सब्सक्राइब करने का स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दें। मैं उन्हें ये एमएस वर्ड की फ़ाइल जो है सोल्यूशन वाली भेज दूंगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सोल्यूशन लेने के बाद दोबारा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ऐसे बेशरम लोग मुझे ईमेल ना करें जो बस। तो चलिए मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये सोल्यूशन है मेरा उसी तरह से जिस तरह हैंडआउट में आपको मैंने एग्जांपल दिखाई है ना, ये पेज 64 पे क्राउट वाली, ये उसी तरह से मैंने सेम बनाया है। देख लें आप मेरा देख के बना लें या ये देख लें आप पूरा सारा। एंड में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये एंड में आंसर आएगा, तीन वैल्यूज़ ये इस तरह हैंडआउट में। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन बाय यूजिंग जेकोबीज आइटरेटिव मेथड फॉर द फर्स्ट थ्री आइटरेशन बाय टेकिंग इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ सोल्यूशन वैक्टर्स एज 0 0 0। तो ये तीन इक्वेशन हैं, इनका सोल्यूशन ये भी हैंडआउट में आपको दिखाता हूँ। हैंडआउट के पेज नंबर 73 पे ये 72 पे ये जेकोबी वाली एग्जांपल है, आइटरेटिव वाली। ये देखें तीन इक्वेशंस हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा फोर आइटरेशन परफॉर्म करनी है लेकिन आपके क्वेश्चन में तीन आइटरेशन हैं, ये देख लें सेम है। इसी तरह से बिल्कुल बनाना बहुत ईजी है सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा पहला है थोड़ा मुश्किल, उसी तरह ये देख के बना लें। तो ये हैंड आउट का पेज नंबर 72 पे है, तो मैं अपना दिखा देता हूँ। ये मेरा सोल्यूशन है सेकंड सेकंड क्वेश्चन का, ये देख लें, ये इस तरह से आएगा। तो जो लोग तो खुद बना सकते हैं वेल एंड गुड, जो इतनी जहमत नहीं कर सकते नहीं बना सकते तो वो क्या कहते हैं मुझे मेरे इसी ईमेल एड्रेस पे मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं उन्हें ईमेल में ये सोल्यूशन भेज दूंगा। और ऐसे लोग जिन्होंने सोल्यूशन लेने के बाद दोबारा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है, ऐसे लोग मुझे ईमेल ना करें। तो दूसरा ये है कि आप इसको बनाने के लिए मैट टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बता दिया एम एस वर्ड में कैसे आप लिखना है। एम एस वर्ड में अगर आपने मैथ को लिखना है तो उसके लिए आल्ट और इज इक्वल टू की टैब दबाएंगे तो इस तरह से इंटरफेस यानी कि आपके सामने आ जाएगा सब चीज़ें जो भी लिखना होगा आपने वो
लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।